दुख का नाम सुनते ही हम सब बहुत चौकन्ने हो जाते हैं। दुख आपका कॉन्ट्रास्ट है, जो आप चाहते हैं उसका कॉन्ट्रास्ट दुख हो जाता है। आप सुख चाहते हैं, सुख का कॉन्ट्रास्ट दुख हो जाता है। रात जितनी गहरी होगी सवेरे का उजियारा उतना ही चमकीला होगा। घाटी की जितनी गहराई होगी उसके पास खड़ा हुआ शिखर उतना ही उत्तम लगेगा। भूख जितनी भीषण होगी भोजन के बाद मिलने वाली तृप्ति उतनी ही सघन होगी। कॉन्ट्रास्ट आपको निखारता है, आपका दुख आपको निखारता है, आपको मिलने वाले सुख की अनुभूति को निखारता है। रावण का पांडित्य, शौर्य, पराक्रम राम के साथ खुद ब खुद जुड़ जाता है, क्योंकि रावण जहां खड़ा है वह स्थान राम के कॉन्ट्रास्ट में है। रावण का हर काम राम की भव्यता को बढ़ाने का काम करता है। रावण जितना दुष्ट होता जाएगा राम की भव्यता उतनी ही निखरती जाएगी, राम की दिव्यता उतनी ही निखरती जाएगी। यह बात लॉजिक ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहलाती है। इस लॉजिक के अनुसार आपका दुख जितना सघन होगा उसके बाद मिलने वाला सुख उतना ही प्रखर हो जाएगा। आमतौर से लोग दुखों को एक नकार के साथ लेते हैं, उन्हें डर लगता है कि दुख आया तो आप नष्ट हो जाओगे। लेकिन दुख और सुख एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं, जैसे डंडे के दो छोर होते हैं। आप एक छोर को गायब करोगे तो दूसरा छोर अपने आप गायब हो जाएगा। कोई भी डंडा केवल एक छोर वाला डंडा नहीं हो सकता, उसके दोनों छोर होने आवश्यक हैं। इसलिए उस अनुभूति के दो छोर होंगे, एक छोर को आप सुख कहेंगे और एक छोर को आप दुख कहेंगे। अगर आप सुख को गायब करेंगे तो दुख गायब हो जाएगा और दुख को गायब करेंगे तो सुख गायब हो जाएगा। दुख की अनिवार्यता इसी में है कि उस दुख के कारण ही सुख का अस्तित्व है। जैसे दुख एक तनाव है वैसे ही सुख भी एक तनाव है। सुख अपने आप में बहुत लंबे समय तक नहीं झेला जा सकता, क्योंकि सुख को झेलने से एक बोर्डम पैदा हो जाती है। जिन जिन समाजों में सुखों को इतना अधिक जुटा लिया गया है कि वहां दुख के होने का कोई अवसर नहीं होता, तो उन समाजों को अपने सुख को निरंतर बनाए रखने के लिए कृत्रिम दुखों का निर्माण करना पड़ता है। ऐसे ऐसे खेल रचने पड़ते हैं जिनसे दुखों का निर्माण हो। बंजी जंपिंग रचनी पड़ती है, रोलर कोस्टर बनाना पड़ता है, WWF की फाइट करनी पड़ती है। ये सब ऐसे दुख हैं जो भगवान के दिए नहीं है, लेकिन आप स्वयं को इन दुखों से गुजारते हो, क्योंकि उसके बाद आप सुख की अनुभूति कर पाते हो। यदि केवल सुख ही चलता रहेगा तो आप दुख के कॉन्ट्रास्ट को जान नहीं पाएंगे और वो सुख अपने आप में एक छोर वाले डंडे की तरह बेमानी हो जाएगा। आजकल के रियलिटी शोज में ऐसे ऐसे चैलेंजेस पार्टिसिपेंट्स के सामने दिए जाते हैं, लगता है जैसे इस संकट से तो उनकी जान ही निकल जाएगी। लेकिन वह संकट जो पार्टिसिपेंट्स को दुख से गुजारता है उसके बाद मिलने वाली सफलता के सुख की प्राप्ति में बड़ा सहायक होता है। यदि मार्ग में उन्हें कोई दुख ना अनुभव होगा तो उसके बाद मिलने वाली विजय का उन्हें सुख भी अनुभव नहीं हो पाएगा। आधुनिक समाजों में इस प्रकार के खतरनाक खेल और रियलिटी शोज इसीलिए आयोजित किए जा रहे हैं कि सुख ने और सुख की एक रास्ता ने उनके भीतर बोर्डम पैदा कर दी है। उस सुख की अनुभूति को बनाए रखने के लिए उन्हें कृत्रिम रूप से दुखों का निर्माण करना पड़ता है। अत्यधिक शारीरिक सुख एक बोर्डम पैदा करता है और इस बोर्डम को तोड़ने के लिए इन कृत्रिम दुखों की उसी अनुपात में आवश्यकता पड़ती है जिस अनुपात में आप सुख को भोगना चाहते हैं। इसका एक दूसरा तल भी है, अत्यधिक शारीरिक सुख आपके शरीर को निष्क्रिय कर देता है। जो सरप्लस एनर्जी आपके शारीरिक कामों में, आपकी बॉडीली एक्टिविटीज में खर्च हो सकती थी, वो आपके मन के भीतर परकोलेट कर जाती है, वो आपके मन के भीतर उतर जाती है। आपके मन के भीतर तैरने वाले ये फालतू के विचार उसी सरप्लस एनर्जी की पैदाइश होते हैं। उसी सरप्लस एनर्जी ने इन फालतू के विचारों को पैदा किया है। जैसे ही आप बैठते हैं आपके सिर में ये फालतू के विचार तैरने लगते हैं। असलियत में ये वही सरप्लस एनर्जी तैर रही है जो सरप्लस एनर्जी आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेस में खत्म हो जानी चाहिए थी, वहां खत्म नहीं हुई। सुख के साधनों ने आपके शरीर को निष्क्रिय कर दिया, तो ये अब विचार बनकर
आपके दिमाग में तैरने लगी है। आपका शरीर जितना निष्क्रिय होता जाएगा आपका सिर उतना ही सक्रिय होता जाएगा। खोपड़ी के भीतर तैरने वाले विचार उतने ही तीव्र होते जाएंगे, उतने ही सघन होते जाएंगे। अत्यधिक सुख आपके तन और मन दोनों को बेकार कर देता है। बीच बीच में आने वाला दुख आपके तन और मन को एक्टिवेट करने का एक साधन है। दुख एक ऐसा कुदरती तरीका है जो आपके शरीर को भी एक्टिवेट करता है, जो आपके मन को भी एक्टिवेट करता है। यदि आपके पास समुचित दुख आए तो आपको शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। दुख इसीलिए आता है कि यह आपकी शारीरिक और मानसिक जड़ता को तोड़ दे। सुख जड़ता को पैदा करता है और दुख उस जड़ता को तोड़कर आपके भीतर गतिशीलता लाता है। दुख में हमेशा नयापन है, नई चुनौती है। दुख की इस नई चुनौती को पार करके आप हमेशा एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं, जबकि सुख के साथ ऐसा नहीं है। सुख आपकी चेतना को सीमित करता है, दुख आपकी चेतना का विस्तार करता है। इसीलिए योगी और कर्मवीर लोग कभी दुखों से भागते नहीं है, उन्हें अंगीकार करते हैं और उनका रसास्वादन करते हैं। इसके विपरीत शारीरिक स्तर पर जीने वाले, केवल एनिमलिस्टिक लेवल पर जिंदा रहने वाले लोग शारीरिक सुखों का ध्यान रखते हैं, मानसिक जड़ता को प्रश्रय देते हैं। वो चाहते हैं कि सुख बने रहें। दुख भगवान का प्रसाद इसीलिए है कि वह आपको एक चमक से भर देता है। दुखों के ऊपर विजय प्राप्त करने से आपको आनंद का अनुभव होता है। आनंद का यह अनुभव एक ही स्थान पर पड़े रहने वाले पत्थर के सुख से अधिक मूल्यवान होता है। यहां इस स्थान पर आप स्वयं चुनाव कर सकते हैं, दुख चाहिए कि सुख चाहिए। सुख आपकी यथास्थिति है, दुख आपकी प्रगति है। सुख आपकी मानसिक शांति के लिए जरूरी है, दुख आपकी मानसिक उन्नति के लिए जरूरी है। सुख आपकी जड़ता है, दुख आपका विकास है। चुनाव आपके हाथ में है।